सहारनपुर में शरारती तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा, विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा। तनाव को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अब सब लोग खामोश। ओके ठीक है, हो गया हो गया। एक मिनट रुक जाइए। संदीप सिंह बोल सकते हैं आप, जिसको पूरा, जिस इंसान को पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनकी हमारे देश के पहले और कोई नॉलेज हमारे देश के अंदर ही नहीं हुआ था। उसके पहले नॉलेज था ही नहीं। एक रुक जाइए। विनोद कश्यप, आपके पास ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है? भीम आर्मी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? विनोद कश्यप, एक मिनट, ओके ठीक है। एक मिनट, हो गया सर। विनोद, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर के बवाल हो गया। कुछ शरारती तत्वों ने यह प्रतिमा खंडित की। सहारनपुर के घुन्ना गांव का ये केस है। उसके बाद फिर एक समुदाय विशेष भड़क गया, सड़क पर भी उतरा, जम करके पत्थरबाजी की, नारेबाजी की, बवाल भी काटा। ये बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को बुलाना पड़ा, भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा और काफी देर के बाद हालात कंट्रोल में आए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि मूर्ति तोड़कर सहारनपुर की फिजा, सहारनपुर का माहौल बार बार बिगाड़ना कौन चाहता है? क्या मूर्ति तोड़ करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ किसी तरह की राजनीति चल रही है? अगर राजनीति चल रही है तो इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं? अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला, तोड़ने का मामला, इससे पहले इलाहाबाद से, सिद्धार्थनगर से, आजमगढ़ से, मेरठ से और यूपी के अलग अलग इलाकों से आ चुका है। लेकिन सहारनपुर में पिछले एक साल में कम से कम 4 से 6 ऐसे सीरियस केस आए हैं। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। मूर्ति तोड़ राजनीति उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? दलित समुदाय को बार बार भड़काने की कोशिश आखिरकार किस मकसद से की जा रही है? संदीप द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं, एके मिश्रा जी देश के जाने माने पत्रकार भी मेरे साथ में हैं, अखलाक खान कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, दीपक शंखदार जी आप संघ विचारक हैं, कुलदीप कुमार सिंह, संदीप सिंह आप दोनों दलित चिंतक हैं और सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के नेता आपसे थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से मेरे साथ थोड़ी देर के बाद मेरे सहयोगी विनोद कश्यप भी जुड़ेंगे, सहारनपुर के उसी घुन्ना गांव से जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बवाल काटने वाले लोग जो हैं भीम आर्मी के थे? जी बिल्कुल, भीम आर्मी के लोग थे और पहले भी, जहां पर ये सहारनपुर में कोई पहला मामला नहीं है, सहारनपुर में पहले भी इस तरह का कई मामला हो चुका है। और सबसे पहली बात देखी जाए तो भीम आर्मी के नाम पर जो दलित लोग हैं इकट्ठा हो जाते हैं और सड़कों पर जाम लगाते हैं और लोगों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। ये ठीक है, विनोद आप रहिए मेरे साथ में। एके, सहारनपुर में दलित समुदाय को लेकर के किस तरह की राजनीति होती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय का अगर कोई धुरी या केंद्र है तो वो सहारनपुर का ही क्षेत्र है, सहारनपुर का ही पूरा मंडल है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर अगर दलित भड़के तो आज की तारीख में उनके मसीहा बनकर के भीम आर्मी वाले सबसे पहले सामने आ जाते हैं। क्या ये माना जाए कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ से तो भड़काने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से भीम आर्मी ऐसी चीजें बिल्कुल लपक लेने की कोशिश में है विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज की निंदा करता हूं, ये बहुत गलत चीज है। दूसरी चीज, ये एक साजिश है, ये क्लियर कट एक साजिश है। उसके पीछे एक कारण है कि मूर्ति जहां पे तोड़ी गई उसके जगह को देखिए, काल और समय को देखिए। अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन भी नहीं चल रहा है कि कोई एक वर्ग विशेष किसी मूर्ति के पक्ष या विरोध में हो जाए।
ऐसा कोई मतलब इसके पहले घटना के पहले का जो स्टिमुलस होता है ना उत्प्रेरक, वो कोई ऐसा मैटर नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के इस चीज के लिए किया गया है। जिन लोगों ने ये किया है ये उनकी साजिश इसलिए है कि ताकि वो अपनी लोकल राजनीति को और चटका सके। मूर्तियां हजारों जगह हैं, दिल्ली में भी हैं, पूरे यूपी में भी हैं। अगर कोई ऐसा वैमनस्य के कारण होता कोई कहीं भी तोड़ता, बार बार सहारनपुर में हो रहा है तो इसका मतलब सहारनपुर में कुछ ऐसे रसूख वाले लोग होंगे जो इनको पोलराइज करना चाहते हैं। देखो जी तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, सब अब आ जाओ हमारे झंडे के नीचे। अब वहां पे कौन ऐसे नेता है जो सबको अपने झंडे के नीचे लाना चाहते हैं सहारनपुर में, जिनके पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं है। संदीप जी, संदीप जी, सहारनपुर में, सहारनपुर में भीम आर्मी को आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मायावती को टैकल करने के लिए, मायावती का मुकाबला करने के लिए भीम आर्मी को बैकअप बीजेपी नहीं दिया हुआ है? नहीं देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भीम आर्मी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो इसके चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्हें कुछ बूचड़खाने जो बंद हुए हैं वहां से फंडिंग आई है, और वो जानबूझ के दलित और मुस्लिम वाला एक जो समीकरण खड़ा किया जा रहा था कि दलित मुस्लिम एक किया जाए, जय भीम जय भीम का जो महाराष्ट्र में नारा दिया गया था, बेसिकली रणनीतिक तौर पे जो पार्टियां अब कहीं ना कहीं अपनी दाल नहीं गला पा रही हैं और जो हिंदुओं को नहीं बांट पा रही हैं, जो मुस्लिमों को नहीं बांट पा रही हैं, वो जानबूझ के आपका इशारा अखलाक खान की तरफ है। अखलाक जी आप लोग भी जय भीम जय भीम बहुत करते हैं, क्या ये माना जाए कि भीम आर्मी को बैकअप आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है? रिक्वेस्ट करूंगा धैर्य से मेरी बात सुनी जाए, जब शोर मचाना शुरू हो जाता है तो बात उसमें दब जाती है। हर जगह देखा गया है पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई हुई। कोई भी मुद्दा उठा लिए, दलितों के साथ जो रेप हुआ पहले वो मुद्दा देख लीजिए आप, उससे पहले उन्नाव का, उससे पहले जो है आप देखिए इसमें जो नरसंहार हुआ है सोनभद्र में, हर मुद्दे पे तो सरकार फेल हुई है पूरी तरह से। अब ये दलितों का मुद्दा, अगर ये इनको कोई फंडिंग कर रहा है तो प्रदेश में सरकार किसकी है, उसकी जिम्मेदारी है, उस पर अंकुश लगाया जाए, जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको बंद किया जाए। कोई प्रदेश में जब सत्ता में बैठा है तो वही तो जवाबदेही होगी उसकी। किसी भी तरह का जो दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये बताइए। ये सोच ही है कि सिर्फ जो है एक नफरत के बुनियाद पर ऐसा प्रदेश बना दो ताकि उसका इलेक्शन में फायदा मिले, उसमें वोट बैंक की राजनीति करने को मिले, क्योंकि करने को तो कुछ है नहीं, किया कुछ है नहीं। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई गई है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, HAL बंद हो गई है, झारखंड से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। आज आम एक इंसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। इनकी सोच ये है कि हर मुद्दे पे जात और जातिवाद और जिस तरह के उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करो और अपना फायदा घटा दिया है, उसी के तहत संदीप जी रुक जाए, अखलाक जी रुक जाए, संदीप जी रुक जाए, अखलाक जी रुक जाए, ठीक है, हो गया। दो युवा दलित चिंतक भी हमारे साथ में हैं, संदीप सिंह कुलदीप कुमार सिंह। कुलदीप कुमार सिंह क्या लग रहा है, दलितों के खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या? अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? कुलदीप, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, वो भारत के संविधान के निर्माता हैं, और ये वो लोग कर रहे हैं जो संविधान में आस्था नहीं रखते। संविधान में आस्था कौन नहीं रखता? ये कुछ खास लोग हैं, खास लोग नहीं, डिप्लोमेटिक होकर के नहीं, सीधी बात कीजिए ना। ये जो मनुवाद को जो मानते हैं, कौन मनुवाद को मानता है, कौन कौन किनके, सीधे बोलिए ना आप, घुमा फिरा के बात बोलिए, नहीं रखते कौन कौन, दूसरी बात मैं कौन, ना ना ना, पहले डिप्लोमेटिक होकर के नहीं। द्विवेदी जी से कहना चाहता हूँ, संदीप जी लीजिए आप निशाने पे हैं, संदीप दलित चिंतक वर्सेस बीजेपी, संदीप द्विवेदी आज निशाने पे गई, मूर्ति तोड़ी गई तो आपने सपा को जिम्मेदार ठहरा दिया, अर्थव्यवस्था खराब हुई तो आपने नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमेशा ये हम पिछली सरकार को टारगेट करते, भैया आपकी सरकार है, प्रदेश में सरकार है आपकी, आप क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था करना देख रहे हैं, आप पकड़िए ना उन लोगों को जिन लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है, आप कुछ भी हो जाएगा पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। आप संभालिए, चलिए अब एक काम कर लीजिए, एक एक मिनट, अब संदीप जी से जवाब ले लेते हैं,
कुलदीप केंद्र की कमान है आपके आपका आपका आरोप हो गया, आपका आरोप हो गया है कि आप भी रुक जाइए। संदीप जी जवाब दें, अखलाक जी रुक जाएं। अब चारों तरफ से अब संदीप जी चौतरफा वार एक बार झेल चुके हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। इतना सभी लोग पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे। संदीप जी एक एक करके आप सभी को जवाब दे सकते हैं। आप इनके चिल्लाने की अखलाक जी के चिल्लाने की वजह से इन लोगों के सवाल नहीं सुन पाया हूं मैं। यहाँ पर दलित चिंतक डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए। मैं बताता हूँ अखलाक जी का दरबार नहीं है, आप चिल्लाएंगे। अखलाक जी नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए। अरे अखलाक जी छोड़िए ये जनता। अरे अखलाक जी अरे तुम्हारी क्या औकात है, अरे तुम्हारे क्या औकात, अरे चैलेंज करते, अरे करियो कोर्ट में चैलेंज। क्या राहुल गांधी क्या है, चोर है चोर राहुल गांधी, क्या है राहुल गांधी दलाल है भ्रष्टाचारी है। अरे अरे मैं सीधे भागने वाला है। किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अरे करिए ना, राहुल गांधी की हिम्मत है, करें चैलेंज कोर्ट में हमें। एक मिनट रुक जाइए। अरे हमें सोच मत बताइए, क्या अमेठी में बलात्कार का केस नहीं लगा था, बताइए प्रदेश में तुम्हारे लोग कर पाए। तुम करिए ना, आइए जनता के पास। सीबीआई का मैं गया कोर्ट में केस। अरे आइए ना, अरे आइए ना, अरे तुम में ताकत है तो आइए। अरे दस दिन बात करते हैं, चापलूसी करने वाले हमें बताएंगे। तुम कैसे जैसे लोग शर्म आती है। अरे औकात में रहिए, औकात में बात करिए। कांग्रेसियों की औकात जनता से खा रही है, समझ गए। जो हुआ है उस पर शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म भारतीय होने के नाते, अरे पार्टी के होने के नाते, हम तो तुम तो पाकिस्तानी है या नहीं, ये शर्म भी आपसे जुटाती है। हर मुद्दे देशद्रोही हो, यही तो है तुम्हारी सोच की। अरे ये तुम लोगों की सोच है, तुम्हारी औकात है जो तुम मुझे सर्टिफिकेट दो। क्या औकात है, हमें मेरे देश में औकात बता रहे। चलिए अब रुकिए, संदीप सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं, दलित चिंतक संदीप सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ अब सब लोग खामोश। ओके ठीक है, हो गया हो गया। एक 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 मिनट रुक जाइए, एक एक मिनट रुक जाइए, एक एक मिनट एक एक मिनट एक 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 आप बताइए। संदीप सिंह बोल सकते हैं आप, जिसको पूरा जिस इंसान को पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनकी हमारे देश के पहले और कोई नॉलेज हमारे देश के अंदर ही नहीं हुआ था। उसके पहले नॉलेज था ही नहीं, उसके पहले न सूरज था, न चांद था, न धरती थी, न व्यवस्था थी, उसके पहले कानून नहीं था। चलिए एक रुक जाइए, एक रुक जाइए। विनोद कश्यप आपके पास ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है? भीम आर्मी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? भीम आर्मी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? विनोद कश्यप एक मिनट, विनोद कश्यप बोले आप, विनोद कश्यप। ओके ठीक है, एक मिनट हो गया सर। विनोद कश्यप मेरे सहयोगी मेरे साथ में। विनोद कश्यप ब्रेक पर जाने से पहले एक बात ये आई थी कि बवाल करने वाले भीम आर्मी के लोग थे। भीम आर्मी को सहारनपुर में खाद पानी ऑक्सीजन कौन दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि ये जहां भी इस तरह की प्रतिमा तोड़ी जाती है और हंगामा होता है, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग ही वहां पर पहुंचते हैं और ये हंगामा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कोई बुजुर्ग लोग तो नहीं आते साथ में, जितने भी छड़े छाट है युवक हैं सारे वो हैं, और साथ में इनके महिला भी ऐसी हैं, कुछ जो महिलाएं आ जाती हैं और डंडे और लाठी हाथ में लेकर उतर जाती हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। यहां तक सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये जानना चाह रहा था भीम आर्मी को पीछे से पॉलिटिकल बैकअप कौन दे रहा है? जी देखिए, जो राजनीतिक है कभी तो वो कहते हैं कि हम कांग्रेस की संरक्षण में हैं, कभी कहते हैं हम बसपा की संरक्षण में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि कोई भी जो नेता है वो इस चीज को नहीं कहता कि भीम आर्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, रुक जाएं आप। तो अखलाक जी आ रहा हूं और हाथ जोड़ करके सभी से विनम्र निवेदन है, सब लोग अपनी बात कहें, लेकिन एक एक करके अगर आप कहेंगे तो बातें ओवरलैप नहीं होंगी। संदीप आप बोल सकते हैं, और ये बताइए संदीप अपनी बात कहें, साथ ही ये भी बताएं कि आप लोग बवाल करने वाले भीम आर्मी के साथ हैं उनके खिलाफ हैं। मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात कहिएगा आप। देखिए, भीम आर्मी को
को लेकर भारतीय जनता पार्टी या संदीप भाई ये संदीप सिंह दलित चिंतक से सवाल है मेरा, माफ कीजिएगा आप, सॉरी आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा, संदीप सिंह बोल सकते हैं। पहली बात तो जो आप भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, भीम आर्मी को ये जो गलत संगठन या बवाल करने वाला संगठन बता रहे हैं, इसका क्या सबूत है कि वो बवाल करने वाला? भीम आर्मी वाले हैं क्या? मैं भीम आर्मी वाला नहीं हूं, मैं एक दलित चिंतक हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं। वो दलित चिंतक जो अहिंसा का पुजारी है ना, हिंसा पर या सड़क पर उतर करके बवाल तो नहीं करते ना आप लोग? आप बताइए, इसलिए मैंने पूछा, मैंने आपकी बात दो मिनट ध्यान से सुनी, दो मिनट बात दिया आपको, दो मिनट दिया, बोले आपको मैंने बताया जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं सिर्फ मूर्ति पर प्रहार है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को दे के गए हैं, वो विचारधारा क्या है? अम्बेडकर की विचारधारा से डर किसे लगता है? अम्बेडकर की विचारधारा से डर उस उच्च वर्ग को लगता है, भारत में रह रहे उस वर्ग को लगता है जिनको दलितों से दिक्कत है, जिनको दलितों के बढ़ने से दिक्कत है। दलितों से दिक्कत किसे है? दलितों से दिग्गत उस वर्ग को, उस उच्च वर्ग को है जो उनके बढ़ने से डरते हैं, जो चाहते हैं बराबरी ना आए। नहीं नहीं तो बताइए ना कौन, जो बीजेपी कौन? और आरएसएस के अंदर बैठे हुए हैं। संदीप द्विवेदी जवाब दें, जो बीजेपी और आरएसएस के अंदर बैठे हुए हैं। संदीप सिंह का जवाब है, रुक जाइए, करता है बताइए, दीपक नहीं नहीं क्या करके इस देश का राष्ट्रपति किस वर्ग से बिलोंग करता है बताइए, और किसने उसको राष्ट्रपति बनाया? ओके दीपक भाई रुक जाइए, संदीप जी अब फिर से वही हो गया संदीप सिंह प्लीज, दीपक शंखदार प्लीज, सर आप दोनों लोग संदीप द्विवेदी जवाब दें, आप बहुत जल्दी जवाब दें। देखिए पहली चीज तो मैं संदीप जी से दो चीजें पूछना चाह रहा हूं, एक तो इस देश का अभी जो राष्ट्रपति है वो किस वर्ग से बिलोंग करता है, दूसरी चीज बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया था? अगर भारतीय जनता पार्टी को दलित चिंतन या दलितों से या बाबा साहब से दिक्कत होती तो ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंचाती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा सम्मान जी बाबा साहब का उचित सम्मान किया है और सर्वोपरि। संदीप जी यू हैव मेड योर पॉइंट। अखलाक जी अभी ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ही आई है, मेरे सहयोगी ये बता रहे हैं कि भीम आर्मी वालों को बहुत बार ऐसा भी हुआ है, खबरें ऐसी भी आई हैं कि बैकअप देने वाली कांग्रेस है, जवाब दें आप, बवाल करवाते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं, बवाल करवाने का काम संघ और आरएसएस का है, इनकी विचारधारा ये आपने देखा होगा राशिद भाई, कितने ही बार ये न्यूज, कभी ये BHU को निशाना बनाते हैं, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हैं, सिर्फ इस तरह की सोच कि भारत में विविधताओं का देश है, भारत गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, भारत मैं उस शहर से और उस गांव से आता हूँ जहाँ पर कोई फैक्ट भविष्य सारे लोग सिखाए जाते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक काम है, इनके खिलाफ संदीप दलित विरोधी ये है, माइनॉरिटीज विरोधी ये है, देश में मेरे प्रदेश में लिंचिंग होती है तो इनके निकलने के बाद ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, आपने देखा होगा, ये उस सोच के लोग हैं, यही जातिवाद उन्माद फैला रहे हैं, उसी का नमूना ये, आज उस पर शर्म नहीं करते। अगर मुझ जैसा इंसान, आप सुनिए बात, बीच में मत डिस्टर्ब करिए, चलिए ठीक है, जैसा इंसान अगर उस पर सवाल उठाता है कुलदीप कुमार सिंह, ओके सभी लोग खामोश, सर होल्ड खामोश, होल्ड हाँ रुक जाइए, खामोश 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 खामोश, होल्ड 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 सर होल्ड। कुलदीप कुमार सिंह आप लोग बार बार एक ही चीज का रोना रोते हैं कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, बीजेपी की जब सरकार होती है तो दलितों के ऊपर जुल्म ढाया जाता है, ज्यादती की जाती है, मुझे ये बता दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकारों में कब दलितों का बड़ा उद्धार हो गया? सर उद्धार हो गया क्या? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, सरकार किसी की भी हो लेकिन अगर दलितों, दलित जिसको अपना भगवान मानते हैं, जिसको वो पूजते हैं, अगर उसकी मूर्ति तोड़ी जाएगी तो दलित अगर अपना अपने हक के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर बैठ के धरना करेंगे, अपने हकों की मांग रखेंगे तो ये लोग उनको भड़काऊ और अग्रेसिव घोषित कर देते हैं। क्या अपने इस देश में धरना देना जुर्म है? क्या इस देश में संदीप द्विवेदी मुझे ऐसा लगता है, क्या संदीप द्विवेदी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दंगा भड़काएं, जो लोग बवाल करें, मेरा ऐसा मानना है किसी भी जाति पंथ संप्रदाय से वो लोग आते हो, किसी भी समुदाय से आते हो, रासुका लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। चंद्रशेखर रावण को आप लोगों ने बाहर निकाल ही क्यों दिया? निकालना ही नहीं चाहिए था। देखिए हमने बिल्कुल नहीं निकाला चंद्रशेखर रावण को कोर्ट के आदेश। संदीप सिंह कह रहे हैं अंबेडकरवादी ताकत थी, वो अंबेडकरवादी ताकत थी जो चंद्रशेखर को लेकर। मैं आपको एक चीज बता दूं,
चंद्रशेखर या भीम आर्मी ने 96 लोगों को जेल में डाला हुआ है ना, कांग्रेस के इशारों पे काम कर रही है और कांग्रेस जिस तरीके से अच्छे से जानती है कि दलित मुस्लिम इनसे खिसका है, तो ये जानबूझ के दलितों को भड़का के मुस्लिमों को भड़का के और ये चाहते हैं कि ये कहीं बीजेपी की तरफ ना हो जाए। आज चाहे इस देश का मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, हर वर्ग कहीं नहीं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और ये जानबूझ के सुनाने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, एके इसका जवाब, होल्ड होल्ड सभी, एके आप ही से सवाल होगा, रुक जाइए, एके आप रुक जाए, होल्ड 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 होल्ड, ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, संदीप सिंह हो गया, एके मिश्रा, संदीप सिंह का कहना है कि दलित हिंदू नहीं है, जवाब दें। पहचान बदलने से स्थाई तो नहीं आता है, कभी ये मौका परस, कभी ये बन गए, कभी वो बन गए, कभी वो बन गए, कभी क्या बताएं किन किन हाथों में खेल रहे हैं ये बोल रहे हैं। अरे मैंने पूछा आप ये नहीं है तो आप क्या हैं? सतीश प्रकाश जी जुड़ गए हमारे साथ, आप सालो रुक जाएं सती, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, होल्ड होल्ड, सारी आवाज नीचे, अभी पिछले 70 सालों में, ओके एके प्लीज, मेरी विनती है, एक मिनट, संदीप, एक मिनट, सतीश प्रकाश जी, सारी कोई आवाज नहीं जा रही, एक मिनट प्लीज, डिबेट लिंचिंग नहीं, सतीश प्रकाश जी, बहुजन सर मैं छोड़ के उठ जाऊं क्या? सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश जी, सहारनपुर में एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई है, मेरठ, मऊ, इलाहाबाद, आजमगढ़, पिछले एक साल में न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं सामने आई हैं, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं देखो, बाबा साहब की तस्वीर अगर चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं, ठीक है ना, और सब सरकारों की ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब का जो सब योगदान है इस देश को बनाने में, इस देश के संविधान बनाने में, इस देश की व्यवस्था को ठीक करने में, इस देश के बड़े 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 पत्रकार हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है कि जो उन्होंने ऐसे लिए कि आज भी वो देखे जाते हैं। तो जो लोग उनकी प्रतिमाओं को तोड़ करके अपनी घिनौनी हरकत को परिचय देते हैं और सरकार के संरक्षण में ऐसे लोगों को लाभ मिल जाता है, तो उन लोगों के ऊपर भी सवाल है और सरकार के ऊपर भी सवाल है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई और बाबा साहब की प्रतिमा के रंग को भी लेकर के कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये ठीक बात याद दिलाई संदीप जी, संदीप द्विवेदी जी, बात तो सही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी भी गई है और उनका रंग भी बदल दिया गया, नीले रंग का कोट अमूमन परंपरागत उनका माना जाता था, लेकिन बहुत सी जगह पिछले साल इस तरह की खबरें और तस्वीरें आई थी जहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति को भगवा कर दिया गया। देखिए राशिद जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा यूपी की राजनीति की हिस्ट्री में जाएंगे तो बाबा साहब जी की मूर्तियां सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तोड़ी गई और ये बसपा का हर कार्यकर्ता जानता है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता बाबा साहब को किसी भी तरीके से पसंद नहीं करता और उसको जहां मौका मिलता है वो उस तरीके की गतिविधियां करता है। दूसरी चीज, कांग्रेस आज इतनी बड़ी दलित चिंतक बनाती है, आज क्या नेहरू ही ठेकेदार है कि वो उन्हीं के जैकेट के कलर अलग अलग होंगे? भाई क्या बाबा साहब अगर अरे सुनिए दो मिनट, अखलाक जी आप लोग ठेकेदारी करते हैं क्या? ये दलितों के ठेकेदार, दलितों के ठेकेदार आप हैं क्या? बता दे अलीगढ़ में अंबेडकर के ठेकेदार आप हैं क्या? आरक्षण क्यों नहीं दिया? देश की हर यूनिवर्सिटी में दलितों का कोटा रिजर्व होता है, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जामिया यूनिवर्सिटी में दलितों को कोटा नहीं। क्या दलित कहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? क्या दलित कहा? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बार फिर होना चाहिए, आपने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कभी नहीं, गलत बात पे बात नहीं करें। अखलाक जी, आप लोग ठेकेदारी करते हैं क्या?
अंबेडकर जी की ठेकेदारी आपके पास में है क्या? नहीं, दलितों की ठेकेदारी आपके पास है क्या? राशिद भाई, हम तो ये कहते हैं जो भी हुआ घटना उसकी जांच हो, सरकार किसकी है वहां पर, उसके किसी की भी सरकार में हुई हो कोई भी घटना, जुर्म जुर्म होता है, अमानवीय घटना अमानवीय होती है, उस पर दुख है हमें। संदीप जी बात तो ठीक है, बात करने के लिए तो ठीक है, जो लोग बवाल कर रहे हैं भीम आर्मी को पूरी तरह बैन कर दीजिए ना। नहीं देखिए, भीम आर्मी पर पूरी तरह बैन लगाई है। अगर सहारनपुर का माहौल या आसपास का माहौल बार बार दलितों को भड़का भड़का करके भीम आर्मी वाले खराब कर रहे हैं, बैन कर दीजिए ना उन्हें। देखिए, भीम आर्मी को लेकर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब से चंद्रशेखर आजाद हुए दोबारा कभी सहारनपुर नहीं गए, उन्हें पता है कि जिस दिन सहारनपुर गए उस दिन पुलिस उन्हें दोबारा किसी केस में धर लेगी। दूसरी चीज, भीम आर्मी को अगर जरूरत पड़ेगी, अगर बहुत ज्यादा इस तरीके का उत्पात करेगी तो बैन करने के लिए सरकार के पास विकल्प सुने। अभी जो लोग जिन लोगों ने उत्पात किया है उनको आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। ऐसा तो नहीं कि स्थिति कंट्रोल करके नहीं दिखाई, स्थिति ये तो नहीं हुई कि एक छेड़छाड़ के केस में बुलंदशहर में हजारों लोगों की डेथ हो जाती है और दलितों के हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है। ठीक है दीपक शंकरदार जी, दलितों की एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है। देखिए अभी बैठे हुए संदीप सिंह ने यह कहा, दलित हिंदू नहीं है, संघ से, हाँ एक मिनट, संघ से एक शिकायत ये होती है कि सर संघ चालक, सर कार्यवाह, सह सर कार्यवाह कोई दलित क्यों नहीं होता? नहीं हुआ है। हाँ, एक मिनट, सर संघ चालक कोई दलित नहीं, नहीं, आप इसके इतिहास को उठा के सरसंघ चालक कोई दलित, आप देखिए वहां सरसंघ चालक कोई दलित, सरसंघ चालक कोई दलित भैया देख लीजिए। संदीप सिंह आप जवाब दें। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने कहा उसका फैक्ट भी तो लीजिए ना आप, कि दलित हिंदू नहीं होते, हम नहीं मानते अपने आप को हिंदू। सुनिए क्यों, आपने अभी अभी मुद्दा देखा होगा, ये तो बहुत मुद्दे हैं, आपने अभी अभी मुद्दा देखा रविदास मंदिर जो टूटा है, जब रविदास जी एक सेकंड बस एक बात कहूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, बस एक बात कहना चाहता हूं, आप ये कह सकते हैं, यह आपका अपना निजी विचार हो सकता है, पर मैं आपको शोध के अनुसार यह बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब बहुत हिंदुत्व प्रेमी थे, वो हाँ कुप्रथाओं के खिलाफ थे, सुनिए आप मेरी बात, बाबा साहब मेरे को अपनी बात पूरी करनी दीजिए, कुप्रथाओं के खिलाफ थे, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे। आप सुन लीजिए संदीप को सुन लीजिए। जब रविदास मंदिर तोड़ा गया उसके खिलाफ जब आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, तो आप वहां पर जाके देखिए, वहां पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उच्च वर्ग का वहां पर पहुंचा होगा? अगर जब अपने आप जब दलितों को जब दलितों को हिंदू मानते हैं, बहुत देर से बैठे हो, जब दलितों को हिंदू मानते हैं तो आप बताइए कौन वहां पर ब्राह्मण ठाकुर बनिया वहां पर पहुंचा आंदोलन के लिए? आप बताइए कौन ऐसा उच्च वर्ग का व्यक्ति है जो वहां पर दलित ही क्यों उस आंदोलन में पहुंचे? क्या उस जब हिंदू मानते हैं तो वो मंदिर टूटा तो क्या उन्हें उच्च वर्ग का कोई लेना देना नहीं था? क्या उन बच्चों को क्या 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी वहां पर? 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। आपके पास रिकॉर्ड है क्या? मेरे पास रिकॉर्ड रिकॉर्ड है क्या? मेरे पास वीडियो है उस चीज के, वीडियो छोड़िए आप बताइए, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं भी विचारधारा को मानता हूँ बाबा साहब, आप आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, मनुवादी की विचारधारा को मानते हैं, आप कैसे कह देंगे आप डॉक्टर बाबा साहब? संविधान की विचारधारा को मानता हूँ, संविधान की विचारधारा नहीं होती, संविधान के कोई विचारधारा नहीं होती, संविधान की विचारधारा नहीं होती। ये कैसे, क्या पढ़कर आए हो आप? पढ़कर आइए, अपनी एजुकेशन ठीक कीजिए, आप अपनी एजुकेशन ठीक कीजिए, संविधान की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की विचारधारा नहीं होती, आपकी विचारधारा तो आरएसएस की है, आपकी विचारधारा संविधान की हो नहीं सकती। सतीश प्रकाश जी, क्या बहुजन समाज पार्टी का भी ये मानना है कि दलित हिंदू नहीं होते? सतीश प्रकाश जी, क्या बहुजन समाज पार्टी का भी ये मानना है कि दलित हिंदू नहीं होते? सतीश जी अब बोलना है, आप लोग खामोश हो जाइए। सतीश जी, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी नहीं, मैं दलितों के लिए, मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, भगवान बुद्ध का फॉलोवर हूँ, दलित मूवमेंट में काम करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए एक राजनीतिक दल नहीं, एक सामाजिक आंदोलन भी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में मेरी आस्था है, इसमें कहीं कोई दूसरी बात दो चीजों का चाहता हूँ, है ना? अगर ये मौका दे तो आपके यहाँ है या नहीं है, इस बात के ऊपर डिस्कशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1907 में इस देश के दलितों ने जो अंग्रेज जनगणना आयुक्त थे उनसे यह मांग करी कि भाई दलित हमको हिंदू मानते नहीं है, इसलिए हमारी जनगणना अलग करा दी जा। और उस समय के जो तत्कालीन
जो जनगणना आयुक्त है 1911 की जो जनगणना हुई है उन्होंने 10 बिंदु तय किए हैं और उन 10 बिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं ये पाया गया कि कहीं ना कहीं हिंदुओं से थोड़ी अलग है। उसके 10 मानक हैं, वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उस समय की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और वही आधार बना 1921 में दलितों की जनगणना हिंदुओं से अलग करके ना पी गई। और इसमें ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए दो चीजों को अंतर ना करें, अभी भी दलित कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू नहीं छोड़ा है, नहीं वैचारिक रूप से उनका झगड़ा है, और बाबा साहब की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा आसमान का अंतर है। आरएसएस जो है समरसता का विचार रखती है, समरसता है ना, कि जो जिस जाति में पैदा हुआ हो वो उसी गोल के अंदर पड़ा रहे, जबकि बाबा साहब की विचारधारा समानता की विचारधारा है और दोनों विपरीत है। आरएसएस जाति व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि अभी तक आपका ये कहना था कि एक मिनट सर, सर एक मिनट, डिबेट को डिबेट की तरह से मेरी बात सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी का ये कहना है कि आरएसएस की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा बिल्कुल पूरा पश्चिम है और आरएसएस जो है जाति व्यवस्था को बना करके रखना चाहता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाति को तोड़ने में यकीन करते थे। इसका जवाब आप दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अखलाक जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूं कि बाबा साहब जाति विहीन एक हिंदुत्व समाज की स्थापना चाहते थे, और संघ भी, आप मुझे बताइए कि संघ भी हिंदुत्व में विश्वास रखता है, वह सारे हिंदुस्तान को हिंदुत्व की दृष्टि से देखता है, अखंड भारत की दृष्टि से देखता है। ऐसी ही विचारधारा यदि आप शोधों को पढ़ें, मैं अनर्गल बात नहीं पर बात नहीं करना चाहता, यदि आप रिसर्च आर्टिकल्स को यदि आप पढ़ेंगे पीएचडी स्कॉलर्स के, जिनको कभी कांग्रेस सरकार ने पब्लिश नहीं होने दिया, मुझे आप एक सरकार बताइए इस देश में जिसने बाबा साहब के ऊपर शोध करने की इजाजत दी हो, जबकि बाबा साहब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन लर्नर थे वो। ठीक है, ओके ठीक है, आप मुझे बताइए कितना शोध कराया गया। हाँ ठीक है, अखलाक जी, अखलाक जी, हाँ अखलाक जी मेरा सवाल सुन लें, अखलाक जी मेरा सवाल सुन लें। यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दलित वोट बैंक एक जमाने में परंपरागत तरीके से कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन आज पूरी तरह से छिटक गया है, बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया है, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, कुछ और छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां संगठन के पास में चला गया है। क्या अंदर ही अंदर कांग्रेस का भी मन महसूस रहा है कि किस तरह से इस वोट बैंक को वापस से पाया जाए, किस तरह से अपनी तरफ लेकर के आया जाए, और इसीलिए थोड़ा माहौल इधर उधर बिगाड़ा जा रहा है? देखिए कांग्रेस नहीं बिगाड़ रही है राशिद भाई ये माहौल बिल्कुल भी। ये देखिए जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उस पर जवाबदेही उनकी होती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जिस तरह से जातिवाद उन्माद, आप बताइए 6 साल पहले कभी लिंचिंग वर्ड का आपने नाम सुना हो अगर, ये आज रोहित वैमूला, कभी अखलाक, कभी जुनेद, कभी पहलू खान, कभी इंस्पेक्टर सुबोध, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये जातिवाद उन्माद फैलाकर एक विचारधारा, सत्ता की लड़ाई नहीं है ये विचारधारा है एक हिंदुत्व की, एक ये विविधताओं का देश है, और जब इस पे सवाल करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है इस तरह की विचारधारा के लोगों को। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान को तोड़ फोड़ कर पेश कर दिया है, तो ये इनको समझना होगा। मेरी बात मिश्रा जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मौका मिलेगा आपको संयम से बात सुनिए। मॉब लिंचिंग बोलते हैं, देखिए ये सारे देश ने देखा है, ये पूरे मुद्दों पे सरकार पूरी तरह से प्रदेश में फेल है। कांग्रेस इस तरह की कभी राजनीति नहीं करती, वो सेकुलरिज्म की मिसाल है, वो काम करती है उसने। अरे आप देखिए राजस्थान में आप लिंचिंग के कानून लेकर आई है कांग्रेस, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करना है। कुलदीप कुमार सिंह आप देखिए, कुलदीप कुमार सिंह आप एक दलित चिंतक हैं, कुलदीप कुमार सिंह आप एक दलित चिंतक हैं, क्या कांग्रेसी आपके अपने हैं? मैं दलित चिंतक हूँ, सीधे ये बताइए, कांग्रेसी आपके अपने हैं? जो मेरे हकों की बात करेगा, जो मेरे अधिकारों की, मैं उसका हूँ। कौन करता आपके हक की बात? कौन करता आपके हक की बात? कौन करता आपके हक की बात? कौन करता है? सर एक मिनट, अरे एक ही बोला, एक 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 नहीं नहीं एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक ऐसे नहीं, एक एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। को मानूंगा, ये मेरा मसला है, लेकिन भारत का कोई भी महापुरुष, भारत का संविधान और मेरा राष्ट्र, ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। धर्म मेरा मसला है, हर दशक में, हर दशक में मसला नहीं है,
आप सभी चुप हो जाइए। संदीप द्विवेदी से अगला सवाल है। संदीप द्विवेदी जी, संदीप द्विवेदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं दलितों की बात करूंगा तो दलितों की बात जो है जाति से होते हुए आज की तारीख में धर्म तक पहुंच गई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? चलिए सब लोग चुप हो जाइए, किसी की आवाज नहीं जा रही ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं डिबेट में हिंसा नहीं, नहीं चीख चिल्लाहट नहीं, टीआरपी नहीं, टीआरपी नहीं, नाटक नौटंकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुलदीप कुमार सिंह रुक जाइए, फुटेज नहीं बटोरनी है, टीआरपी नहीं लेनी है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। 15 सेकंड का ब्रेक, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। हाँ बस यही मुझे 5 से 6 सेकंड का ब्रेक चाहिए था। संदीप द्विवेदी, ऐसा क्यों है कि अगर आज की तारीख में मुल्क में मैं दलितों की बात करूं तो जाति होते होते वो बात धर्म तक आ जाती है? मैंने जाति से शुरू की, यहां बात धर्म तक आ गई। यहां बैठे हुए दलित चिंतक ने ये भी कह दिया, हम तो हिंदू है ही नहीं। इनकी गलती नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो प्रॉपरली वामपंथियों का एक प्रोपोगंडा रहा उसी की देन है। जिस दलित को कांग्रेसी मुगल और ब्रिटिश दबाव में, लालच में या किसी भी तरह के लुभाव ने कारणों से भी जिसका धन परिवर्तन नहीं करवा पाए, उसका मानसिक परिवर्तन करके परिवर्तन धन आपके पीछे कुलदीप कुमार सिंह कोई वामपंथी लॉबी काम कर रही है, जैसा कि संदीप द्विवेदी का कहना है। अखलाक जी रुक जाइए, और आज कोई चिराग जलाने वाला गैंग काम कर रहा है क्या? मेरे पीछे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग काम कर रहा है क्या? तुम्हें आना चाहिए। दलित चिंतक वर्सेस बीजेपी, दलित चिंतक वर्सेस बीजेपी। अरे अंग्रेजों के गुलाम अंबेडकर, किसी की आवाज से दो लोग, से दो लोग बोलेंगे। धर्म पे मत ले जाइए, मेरा मसला है, मुझे बताइए कि उसके लिए मेरा धर्म पर बांटना चाह रहे हैं। अभी किसी की आवाज नहीं, से दो लोग की आवाज जा रही है, और कहीं नहीं होते। मेरा मसला है, गुलाम मेरा धर्म पर नहीं होते। ये धर्म मेरा, मैं तय करूंगा ये मैं किस धर्म में जाऊंगा। अरे आइए ना जनता के बीच में, जनता के बीच में बैठा हूँ, चिल्ला रहे हो आप। अरे अरे नरसंहार करने वाली सरकार को आज मिलन सिंह की चिंता हो रही है। अरे नंगे हाथ हो गए हैं आप, शर्मिंदा होने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरा मसला है, ये ना आंदोलन। अरे आंदोलन में आंदोलन जब जब दलितों के, जब जब दलितों के, हर एक लोगों का ध्यान छोड़िए सामाजिक। चलिए अब रुक जाइए, अखलाक जी, अखलाक जी, चलिए सब लोग खामोश खामोश। अखलाक जी, अखलाक जी, प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, जहां जुल्म हो रहा है वहां पर पहुंच रही है, जहां जाति हो रही है वहां पर पहुंच रही है। सुनने में यह भी आ रहा है किसानों के बीच भी जाएंगी, दलितों के बीच प्रियंका गांधी कब आएंगी, सहारनपुर में कब जाएंगी, सहारनपुर के अलावा और बाकी क्षेत्रों में दलितों के बीच कब जाएंगी, बाय इलेक्शन के टाइम जाएंगी या 2022 में जाएंगी या बीच में भी जाएंगी? देश में राशिद भाई किसी से छुपा नहीं है, आपने इसी चैनल पर बताया था 7 मरतबा हर मुद्दे पर वो जाकर खड़ी हुई है, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो नरसंहार का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव पीड़िता का मसला हो, हर मुद्दे पे वो खड़ी रही है। सहारनपुर भेजिए, सहारनपुर भेजिए, बीजेपी और संघ करती है से मिलेंगी क्या? आप बताइए, एक प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी अत्याचार हुआ जिन किसानों ने, आप बीच में बात मत नहीं, आप बताइए ना राजस्थान में, राजस्थान की जनता जनता नहीं है? प्रियंका गांधी को क्यों उन्होंने अरेस्ट किया? इतनी बड़ी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी जाती हैं मिलने दलितों से और जो है नरसंहार वालों से, उसको बरस हाउस जब जमानतें जब थोड़ी है तो दलितों की चिंता हो रही है, तो सोच है। अरे दलितों की चिंता की होती तो आज पार्ट टाइम राजनीति नहीं करनी होती। अरे वो यूपी में किसी से मिलने नहीं जा रही है, राजनीति की तैयारी करने जा रही है, 3 महीने से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, उस पद के लिए पूरी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं मिला, सिर्फ गांधी परिवार का और कतनी में जो फर्क है वो दिख रहा है, आपकी सोच दिख रही है। अरे आप तो जो क्वेश्चन सोच आप लोग जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं, आज इसीलिए जनता सबक सिखा रही है आपको। आप आरएसएस और संघ के जो सोच आपके दिमाग में, पैरों की धूल के बराबर नहीं हो आप लोग, धूल नहीं हो। अरे छोड़िए, आज इतना कांग्रेस में आरएसएस मुसलमान नहीं है, उससे ज्यादा आरएसएस में मुसलमान है, क्या बात करते हो आप? आज तुम्हारी पार्टी से बहुत छोड़िए, आप लोग रुक जाइए, एके मिश्रा बोलेंगे बहुत देर से। एके मिश्रा का एक्सपर्ट कमेंट मुझे लेना है, एके ईमानदारी से बताइएगा,
दलितों का शुभचिंतक प्रदेश में और देश में कौन है? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे साथ हमारे पैनल में जितने तथाकथित दलित नेता बैठे हैं और इनकी विचारधारा को मैंने सुना, ये बोल रहे जी हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। भाई हजारों साल से सर एक मिनट, लेट मी अलाउड टू स्पीक। हाँ मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, अब इंटरप्ट कीजिए। एक मिनट में बता रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, हजारों लाखों सालों से जब से ये भारतवर्ष रहा है दलित रहे हैं और एक से एक विद्वान और राजा हुए हैं। आप देख लीजिए ओबीसी दलित इन सब, भाई चक्रवर्ती सम्राट जीते हुए हैं, चंद्रगुप्त देखिए, वेद व्यास देखिए, महर्षि वाल्मीकि देखिए, ये लोग बोल रहे नहीं जी वो हमारे नहीं थे। ठीक है आपके नहीं थे, हमारे थे, हमारे पूजनीय है। ये कौन है, ये कौन डिसाइड करता है? हर दो साल में इनकी आइडेंटिटी बदल रही है। अब देखिए इनके पीछे एक लॉबी है जो डिसाइड करता है कि नहीं अब तुम ये नहीं हो ये हो। कितने वर्ड आ चुके हैं आजादी के बाद से, महात्मा गांधी ने एक शब्द दिया वो भी बेकार हो गया, नहीं जी अब वो नहीं हो, अब दूसरा शब्द है, अब दूसरे के बाद तीसरा। सर मैं बोलना ये चाहता हूं, हजारों साल के अपने पूर्वजों पे, अपने स्वर्णिम इतिहास पे फक्र करिए। सतीश प्रकाश कुछ बोल रहे हैं, सतीश जी को सुन लेते हैं, सतीश जी को सुन लेते हैं, सतीश जी को, सतीश जी बोले एक सतीश प्रकाश बोलेंगे, एक हो गया, एक हो गया सतीश प्रकाश। कुलदीप, कुलदीप आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं सतीश प्रकाश। हाँ नाचते रहिए और हर साल में अपनी आइडेंटिटी में तरसते रहिए। आज तक जब से देश आजाद हुआ है कितनी बार अपनी पहचान आप बदलोगे, कितने बार आप अपनी पहचान को बदलोगे? आप तय करेंगे कि कौन ऊंचा? हम नहीं तय करेंगे, इस देश की हजारों साल की परंपरा और संस्कृति तय करेगी, ना कि कोई। चलिए एक लास्ट कमेंट, आप बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट में चलते हैं। संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी एक मिनट सर रुक जाइए, संदीप जी खामोश, मैं फिर ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक 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 एक मिनट। संदीप द्विवेदी, संदीप जी मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति या किसी भी जो महान शख्सियत है हमारे देश में, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे संविधान निर्माता हो, चाहे बापू हो, किसी भी की भी मूर्ति का अपमान नहीं होगा। मुझे ये गारंटी चाहिए क्योंकि मैं यूपी वाला हूं। देखिए अगर योगी जी के 2.5 साल में अगर हत्याएं, दंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं बंद हो गई, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी भी देता हूं कि बहुत जल्दी ये सब घटनाएं भी रुकेंगे। सिर्फ राजनीति, क्योंकि बायोपोल इलेक्शन आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ पार्टियां जानबूझ के ये के अंतिम लोग की तरह फबक रहे हैं, और ये जो सोकॉल्ड दलित चिंतक बैठे हैं ये बल्कि गुमराह वामपंथी हैं जिन्हें अपना इतिहास ही नहीं पता। ये दलितों के नाम पर दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। इन्हें कभी वाल्मीकि पे गर्व नहीं हुआ, कभी रैदास पे गर्व नहीं हुआ, बल्कि जो वामपंथियों ने गुमराह कर दिया उस पर गर्व होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संघ के विचार के लोग जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, अल्लाह बचा रहे हैं। 10 जनपद से ज्यादा जय भीम निकल कर ही जाएगा, जय भीम निकल कर जाएगा। साथियों संविधान के हिसाब से तलाश जारी है, जब पकड़ में आ जाएंगे तो संविधान के हिसाब से केंद्र में आपकी सरकार आएगी। उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर के ओके ठीक है। एके मिश्रा जी, दीपक शंखदार जी, संदीप द्विवेदी जी, कुलदीप कुमार सिंह, सतीश प्रकाश, अखलाक खान जी, संदीप सिंह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।